ये वजीफा भी इतनी ताकत वाला है कि आपकी जरूरतें पूरी करेगा, आपकी जरूरतें पूरी करने के साथ साथ दूसरों की जरूरतें भी आप पूरी करने वाले बन जाएंगे। वो क्या है, दिन में 24 घंटे में एक तस्बीह, विच इज 100 टाइम, बस ये पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिकुल हक्कुल मुबीन। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद ये तीन लफ्ज ज्यादा पढ़ना है, और ये कलमा शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अथर पर जब आप सलात व सलाम पेश करने के लिए जाते हैं, तो जहाँ कहते हैं ना कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर इस तरफ को है, मुआजा शरीफ जिसको कहते हैं, वो जो सुराख सा बना हुआ है उसके ऊपर जो सुनहरी जाली है, उस जाली ऊपर यही कलमा लिखा हुआ है, पूरी जाली पर मुबारक पर वो कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिकुल हक्कुल मुबीन। ये तीन जुमला करना है, अल मलिक अल हक अल मुबीन, 100 दफा पढ़ना है दिन, बावजू पढ़े बहुत अच्छा है, एट वंस पढ़ लें, एक दफा पढ़ लें बहुत अच्छा है, और अगर एक दफा नहीं पढ़ सकते तो दिन के 24 घंटे में ये कलमा पढ़ लें। इस कलमे को कहते हैं माला माल कर देने वाला कलमा, बंदे को दुनिया की दौलत से आखिरत से तो माला माल करता है, दुनिया से मालामाल कर देने वाले कलिमा, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। मैं अगर मेरी इस तरह दुकान होती और मेरे सारे स्टाफ मेरे अपने मुसलमान भाई होते, तो मैं हर एक को ये कलमा पढ़ने को लाजमी तौर पर कहता कि भाई मेरे भाई, हर मेरा बंदा मेरे पास काम करने वाला मेरा एम्प्लॉई ये कलमा जरूर। फिर देखो बिजनेस, देखो अल्लाह कैसे चमकाता है, इसके खसारे से इसके नुकसान से अल्लाह कैसे बचाता है, इसके पूरे पूरे फायदे अल्लाह कैसे देता है। यू वो भी सरप्राइज, अगर मैं एक आदमी का किस्सा सुनाऊं, मैनचेस्टर बेरी न्यू रोड पर उनका वेयर हाउस है, वहाँ तो गोरे काम करते हैं, एक 30 साल से उसका पुराना एम्प्लॉई है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वो गोरा भी रोजाना ये कलमा पढ़ता है। उसको तो पता है, बताया था ना कि तुमने पढ़ना है, दूसरे पढ़ते तुम भी पढ़ो, यार सबको एक दफा मालिक ने इकट्ठा किया और सबको बताया कि ये तुम पढ़ो, तो वो भी एम्प्लॉय था तो उसको भी बैठना था, तो उसको कहा तुम भी पढ़ो, वो पढ़ता है, 30 साल से वो उसका मुलाजिम है, गाड़ी चलाता है आगे पीछे जाता है इधर उधर, अब तो बड़ा सीनियर हो गया। उसका ये कहना है कि आई डोंट नो अबाउट यू, तुम लोगों के बारे में मुझे पता नहीं, मैं इस कलमा के पढ़ने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई, उसके घर के हालात बदल गए। एक गैर मुस्लिम जिसको इस कलमे पर ईमान नहीं है, लेकिन इस कलमा के पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली लाता है, वो अगर मुसलमान पढ़ेंगे और नियत के साथ पढ़ेंगे, ईमान के साथ पढ़ेंगे और खुलूस के साथ पढ़ेंगे, तो फिर हमारी जिंदगी में क्यों तब्दीली नहीं है, हमारे घरों के हालात क्यों नहीं दुरुस्त होंगे। ये मैंने बताया ना, ये सिर्फ अपनी जरूरतें नहीं पूरी करेगा, ये दूसरों की जरूरतें पूरी करेगा।